दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन फ्लाइट या फिर होटल की टिकट बुक करनी है तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा ऐप लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम स्काई स्कैनर ऐप से हम फ्लाइट, होटल और कार की बुकिंग कर सकते हैं और क्या क्या दोस्तों इस ऐप का फीचर होने वाला है और कैसे ये बाकी सब ऐप से डिफरेंट है, आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और यहाँ पे देखिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ऐप खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। एक्सेप्ट ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन करने को बोल रहा है तो आप गूगल आईडी, फेसबुक या फिर ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन सक्सेसफुली दोस्तों हम हो गए हैं और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका ऐप यहाँ पे खुल गया। बहुत ही सिंपल सा ऐप को इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आपने यहाँ पे देखिए आपके सामने एक्सप्लोर का भी ऑप्शन आ रहा है, अगर आप चाहते हैं एक्सप्लोर करना तो यहाँ से आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं दोस्तों। जहाँ भी आप एक्सप्लोर का ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, ये प्रोफाइल का आइकन है। प्रोफाइल के आइकन में यहाँ से आप आपकी डिटेल, योर डिटेल, योर ट्रिप और सेटिंग का दो तीन ऑप्शन है। इसके बाद चलिए एक्सप्लोर के ऑप्शन पे आते हैं और देखिए आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है, फ्लाइट, होटल या फिर कार हायर। यानी कि आप फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं, कोई भी होटल बुक कर सकते हैं या फिर आप कोई कार हायर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि हमको कहीं की होटल बुक करनी है तो होटल कैसे बुक करेंगे। होटल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको लोकेशन डालनी है कि आपको किस लोकेशन पर होटल बुक करना है। अगर दोस्तों आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर रहे हैं तो भी आपको ये ऐप हर जगह चलेगा, तो आप बाहर की भी किसी भी सिटी का नाम डाल सकते हैं। तो आप किसी भी अलग कंट्री में जा रहे हैं तो भी ये ऐप वहाँ पे बिल्कुल वैलिड रहेगा, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से चलिए हम डाल देते हैं, ये कोई भी प्लेस डाल देते हैं और ऊपर के साइड देखिए आपको ऑप्शन आ रहा है चेक इन और चेकआउट डेट का, तो इस चेक इन चेकआउट डेट को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ से एक दिन का चेक इन और चेकआउट डाल देता हूँ। साथ में ऊपर देखिए ये ऑप्शन आ रहा है ट्रैवलर का कि आप कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी डिटेल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर ही मैप का ऑप्शन है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका मैप खुल जाएगा। मैप वाइज आप देख सकते हैं कि आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, जनरली हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हम चाहते हैं कि मॉल रोड के आसपास या फिर किसी फेमस प्लेस की जगह पे हमको वो होटल मिले, तो यहाँ से आप जूम करके देखिए आप देख सकते हैं कि किसी भी एरिया में आपके होटल कितने हैं और इसका क्या रेट चल रहा है। देखिए जैसे कि देखिए ये मॉल रोड है मार्केट मनाली की, तो यहाँ पे जब आप और जूम करेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन होटल की और क्या प्राइस है वो भी दिखेगा। तो यहाँ से देखिए आपको 688 रुपीज़, 1425, 3000 इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए रेट देखने को मिल जाएगा। होटल की लिस्ट आ गई है, डायरेक्टली आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए जिस पे भी मैंने क्लिक किया है यहाँ पे नीचे के साइड में उस होटल की डिटेल आ रही है, तो यहाँ पे इसको जो क्लिक करेंगे तो यहाँ से होटल की डिटेल खुल जाएगी। या फिर इसके अलावा अगर हम मैप में नहीं देखना चाहते तो जो यहाँ पे ऊपर के साइड में सजेस्ट किया जा रहा है हमको, वहाँ से हम देखिए इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे हमको होटल की फ़ोटो, होटल का नाम और मेन सिटी सेंटर से कितना दूर है, कितने स्टार का होटल है, देखिए ये 3 स्टार होटल है, ये 4 स्टार होटल है, ये भी 3 स्टार होटल है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों कि कितने स्टार का होटल है और क्या रेट आपको पड़ेगा पर नाइट। ये सन पार्क रिजॉर्ट, तो इसको हम एक बार चेक करते हैं। ऐसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए फ़ोटोज़ आ रही हैं लोकेशन की, तो यहाँ से आप फ़ोटो से भी चेक कर सकते हैं दोस्तों रूम वगैरह कैसा है। और उसके बाद यहाँ से देखिए आपको एड्रेस आ रहा है, 4 स्टार होटल है ये दिखा रहा है, यहाँ पे टोटल रेटिंग रिव्यूज़ दिखा रहे हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों के रेटिंग रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद नीचे में स्क्रॉल करके यहाँ से आप चेक इन डेट चेंज कर सकते हैं या फिर आप कितने लोग आ रहे हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको ये ऐप में फ़िल्टर करके बताएगा कि किस ऐप पर, किस वेबसाइट पर ये होटल सबसे सस्ता मिल रहा है, तो जो जिस पे सबसे अच्छी डील आपको मिलेगी वहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। रेटिंग रिव्यूज यहाँ से जैसे कि मैंने बताया, आप एग्जैक्ट लोकेशन भी देख सकते हैं इसकी कहाँ पे, जूम करके यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन आ रहे हैं और होटल का नीचे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इसको आप व्यू मोर करके पढ़ सकते हैं क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, वो सब भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगर हमको इसको बुक करना है तो यहाँ से देखिए हमारे सामने कुछ 3-4 प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, सब पे रेट दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर होटल का रेट। जैसे कि अगोड़ा से अगर आप बुक करना चाहते हैं तो ये 1800 समथिंग का पड़ेगा, अगर आप यात्रा से बुक करना चाहते हैं तो आपको 1500 कुछ का पड़ेगा। मेक माई ट्रिप और trip.com सब पे अलग अलग इसमें रेट हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से अगोड़ा से दिखा रहा है तो यहाँ से भी आप देखिए गो टू साइट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो जिस भी साइट पे ही सबसे सस्ता मिल रहा होगा वो बेस्ट डील आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये बेस्ट डील आपको यहाँ पे मिल गई है। अब अगर इसको हमको बुक करना है तो इस पर डायरेक्टली हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। उसके बाद सारी डिटेल ऑलरेडी हमने देख चुका है हमने, तो यहाँ से सी अवेलेबल रूम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए हर अलग अलग रूम की कैटेगरी होती है, तो यहाँ पे देखिए कुछ चार तरीके के रूम हैं इनके पास, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि आपको किस टाइप का रूम चाहिए और उसका रेट क्या है। देखिए सुपर डिलक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और नीचे और ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो लग्जरी रूम मिल जाएगा, और सुपर डिलक्स विथ बालकनी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे सस्ता होटल हमारा, सबसे सस्ता जो रूम है, मैक्सिमम दो लोग यहाँ पे रह सकते हैं, और यहाँ पे सुपर डिलक्स रूम है विथ बालकनी। यहाँ से आप फोटो भी देख सकते हैं इस रूम की कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगर आपको दोस्तों बुक करना है तो यहाँ पे देखिए बुक नाउ के ऑप्शन पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ डिटेल भरनी है, अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और कंट्री, कंट्री कोड और फ़ोन नंबर यहाँ पे हमको डालना है। अगर कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट आप चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फाइनल स्टेप के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हम डिटेल डाल दिए हैं, अब हमको बुक करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से ऑलरेडी एक बार हम फिर से चेक कर सकते हैं कि हमारा होटल कौन सा है, चेक इन चेकआउट डेट क्या है, और यहाँ पे रूम कौन सा है। यहाँ पे टोटल फेयर हमको दिखा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1880 का रूम था, और प्लस यहाँ पे कुछ टैक्स वगैरह ऐड हुआ है। टैक्स ऐड होने के बाद यहाँ से 2106 रुपये का यहाँ पे दोस्तों आपको ये रूम पड़ने वाला है फाइनली। अब दोस्तों देखिए यहाँ से पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप किसी भी वीज़ा या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट में देखिए यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप यूपीआई फिर पेपाल के अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं, और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल दोस्तों हो जाएगी। आपकी पेमेंट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों ये देखिए अगोड़ा ऐप है, इस ऐप पे, इस वेबसाइट पे भी आपकी डिटेल दिखेगी, या फिर आप डायरेक्टली आ जाएंगे इसका स्कैनर पे, और यहाँ पे आप देखिए आ जाएंगे अकाउंट अपने प्रोफाइल के आइकन पे। प्रोफाइल के बाद आपकी जो भी बुकिंग होगी, देखिए योर ट्रिप, इस योर ट्रिप के ऑप्शन पे आपकी सारी बुकिंग दिखाएगी। देखिए बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप बुक किए रहेंगे वो सभी आपको यहाँ पे दिखाएगी कि आपकी कौन सी बुकिंग कब की है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप स्काई स्कैनर ऐप का यूज़ करके फ्लाइट, होटल या फिर कार के टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब मैंने आपको होटल के टिकट बुक करने का तरीका बताया है, फ्लाइट और कार का भी तरीका सेम रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।